शहरे हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है मलिका फर्नीचर वोल्टा एक्स रोड हैदराबाद। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मैं उन सियासी पार्टी के लीडरों से कहना चाहूंगा कि वो मुसलमानों का ठिकाना मत लीजिए। आप इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, मुसलमान रोजा रखेगा, रमजान को पूरे जोश और खरोश के साथ मनाएगा, रोजे भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रात में तरावी में नमाज भी पढ़ेंगे। और ये लोग जो इस तरह कह रहे हैं कि रमजान है, रोजा रहते हैं, पोलिंग परसेंटेज उस फर्क पड़ेगा, सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मुसलमानों का जो स्पिरिचुअल और जो ईमानी रूहानी जो जज्बा होता है वो रमजान में ज्यादा होता है, और यही उनको वोट परसेंटेज इनका बढ़ेगा उल्टा इसमें। दूसरी बात हमको समझने की जरूरत है कि पार्लियामेंट को तो कॉन्स्टिट्यूट करना है जून 3 से पहले, तो इलेक्शन कमीशन को तो ला महाला रमजान में इलेक्शन करना पड़ेगा। भाई जून 3 से अगर पहले इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना है और रमजान शुरू होगा हिंदुस्तान में 5 मई को, चलेगा 4 जून तक, तो ये शिकायत करना गलत बात है। ये जमहूरियत का काम है, चलता रहेगा, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन छुट्टी होगी और हम लोग हालत रोजा में भी रहेंगे, हमारा ईमान और हमारा रूहानी स्पिरिचुअल जोश और खरोश में रहेगा और निकल कर वोट डालेंगे। क्या ये लोग जो कह रहे हैं कि रमजान में वोटिंग नहीं करें, क्या मुसलमान रोजा रहकर काम नहीं करते, क्या दफ्तर नहीं जाते, क्या अपने कारोबार नहीं करते? अरे भाई इतनी फिक्र अगर इन लोगों को है तो साल के 11 महीने आप क्या करते हैं मुसलमानों के लिए बताइए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन करना ही है रमजान में, इसलिए कि जून 3 से पहले पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करना है, इलेक्शन प्रोसेस खत्म होना है और रमजान शुरू होगा 5 मई से, खत्म होगा 4 जून को। तो ये कंट्रोवर्सी गलत है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मुसलमान हालत रोजा में रहकर उनका ईमान, उनका एक रूहानी एक्सपीरियंस जो अंडरगो करते हैं वो बहुत ज्यादा होगा और इससे पोलिंग बढ़ के होगी। देखना